हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है गोभी के पराठे। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक फूल गोभी ली है। इसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, नमक और हल्दी डाल के, ताकि इसमें जो भी कोई वर्म्स वगैरह हो निकल जाएँ। इसके बाद 2-3 बार इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसे पीसीस में कट कर लें। पीसीस में कट करने के बाद मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल लिया, इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्राई कर ले। देखिए पीसीस हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब इन्हें ऐसे थोड़ी देर लगा के इसका तेल निचोड़ने के बाद बाहर निकाल लें। जो बचे हुए हैं वे पीस भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। इसी तरह से सारी गोभी को फ्राई कर ले। देखिए मैंने सारी गोभी फ्राई कर ली। अब इसे ठंडा होने के बाद मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है। देखिए चॉप करने के बाद हमारी गोभी कितनी अच्छी लग रही है। अब मैंने आटा लिया है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, दोनों हाथों हथेली से मसल कर, इससे इसकी खुशबू अच्छी आती है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका आटा लगा लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें पहले तो मिक्स कर लें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लें। आटा लगाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दे, ताकि ये इसमें से ग्लूटिन एक्टिवेट हो जाए। और जो गोभी हमने चॉप की थी उसमें एक मीडियम साइज की प्याज चॉप की हुई, एक हरी मिर्च, थोड़ा सारा धनिया डाल दिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा चाट मसाला, ये भी 1/2 चम्मच लिया है। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक ले लें और इसे मिक्स कर लें। चम्मच से इसे मिक्स कर लें। ये पराठों की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब आटा भी रेस्ट करे हुए काफी टाइम हो गया, इसे हम पेड़े बना लेते हैं। देखिए इसके मैंने पेड़े बना लिए हैं, और इसी तरह से अंगूठा बीच में रखकर इसकी कटोरी सी बना लें। इसमें मैंने गोभी की स्टफिंग भर दी है 2 से 3 चम्मच। अब इसे उंगली से नीचे दबाते हुए इसे बंद कर दें। देखिए इसे घुमाते हुए मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें सूखा आटा डस्ट करके इसकी पराठे बना ले। थोड़ी देर हाथ से फैला ले और हल्के हाथों से। इसी तरह से मैंने सारे पेड़ों के अंदर स्टफिंग भर के रख लिए हैं। अब सूखा आटा डस्ट करके इसकी पराठे बना ले। हल्के हाथों से करें ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। किनारों से अंदर की तरफ बेलना है। देखिए मैंने इसकी पेड़े की रोटियां बना ली हैं। अब तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, उस पर मैंने ये रोटियां डाल दी हैं। दोनों तरफ से सिकने के बाद इस पर देसी घी लगा लें। देसी घी चाहे आप बटर लगा सकते हैं, चाहे ओलिव ऑयल। ब्राउन होने तक सेक लें।
देखिए पराठा हमारा ब्राउन होने लगा है, ये देखिए। इसी तरह से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पराठे हमारे बनकर तैयार है। इसे मैंने दही और लाल मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो टमाटो सॉस ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते। देखिए एक मैंने खोल के दिखाया कितनी अच्छी स्टफिंग है इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।